दोस्तों बहुत से लोगों को क्रिप्टोटैब ब्राउज़र पे अपने बिटकॉइन को विड्रॉ लगाते समय प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एंड क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा एंड आपको लाइव विड्रॉ लगा के भी दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखना, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपका विड्रॉ लगता है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्रिप्टोटैब ब्राउज़र ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टोटैब ब्राउजर है क्या, दोस्तों इसकी मदद से आप फ्री में बिटकॉइन को माइन कर सकते हो। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर बात करते हैं विड्रॉल की, तो यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाए, इस पे आपने क्लिक कर देना, आपके सामने इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा एंड कईयों का यहाँ पे नहीं ओपन होगा, कुछ यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल का इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मैं आपको इनका एक आर्टिकल भी रीड करा दूँ। दोस्तों मैंने क्रिप्टोटैब ब्राउजर का यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन कर लिया है जो कि इसका मिनिमम विड्रॉल 0.4001 BTC। क्रिप्टोटैब ब्राउजर का लो मिनिमम विड्रॉल है 0.4001 BTC। ये एक दिन में कुछ ही यूजर के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, मैंने किया क्या था? मैं यहाँ पे डेली चेक करता था विड्रॉ ऑप्शन पे जाके कि ये ऑप्शन आता है कि नहीं। यहाँ पे मेरे को 3-4 दिन के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल गया। अगर आप यहाँ पे डेली चेक करते हो तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाए। अगर आपके पास यहाँ पे 0.4001 BTC से इक्वल या इससे अबव यहाँ पे BTC होगा। दूसरी प्रॉब्लम यह है, क्रिप्टोटैब ब्राउजर में पहले आप किसी भी वॉलेट पे विड्रॉ लगा सकते थे, बट आज के समय में आप किसी भी वॉलेट पे नहीं लगा सकते हो। सिर्फ इनके यहाँ पे एक ही वॉलेट है जो यहाँ पे NC वॉलेट, इनका खुद का वॉलेट है, वहाँ पे ही आप विड्रॉ लगा सकते हो। एंड एड्रेस भी आप अपने आप लिंक नहीं कर सकते हो, ये अपने आप लिंक करेगा, जो कि मेरा यहाँ पे NC वॉलेट का अपने आप एड्रेस लिंक किया है। तो NC वॉलेट किस तरह आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करोगे ट्रैक्टिव प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा एंड इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है, सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपके साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस भी गूगल अकाउंट से आपने क्रिप्टोटैब ब्राउजर को लॉगिन किया उस सेम गूगल अकाउंट से यहाँ पे आपको NC वॉलेट को भी लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन नहीं करते हो तो आपका यहाँ पे क्रिप्टोटैब ब्राउजर एंड NC वॉलेट इंटरलिंक नहीं होगा। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके कॉइन्स आ जाएंगे, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ऐड के ऑप्शन पे जाओगे यहाँ पे आपको बहुत सी क्रिप्टो देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्रिप्टोटैब ब्राउजर पे आ जाना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, लॉगिन सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड मेरे यहाँ पे देख सकते हो NC वॉलेट कनेक्टेड का ऑप्शन आ गया एंड आपका भी इसी तरह का ऑप्शन आना चाहिए। तो इसके लिए आपको वेट भी कर लेना दोस्तों, यहाँ पे अपटू 48 आवर यहाँ पे लग जाते हैं कनेक्ट करने के। उसके बाद बिटकॉइन एड्रेस में आपका NC वॉलेट का बिटकॉइन का एड्रेस अपने आप पिक कर लेगा आपके वॉलेट का। तो मेरा यहाँ पे पिक कर लिया, आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जो कि NC वॉलेट पे जाके। तो ये मेरा यहाँ पे बिटकॉइन का एड्रेस है, इसे मैं ओपन कर देता हूँ आपके सामने ताकि आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये मेरा एड्रेस है एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड अब मैं अपने फुल अमाउंट का विड्रॉ लगा रहा हूँ, रिकैप्चा को वेरीफाई कर लिया, विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड मेरा यहाँ पे विड्रॉल सक्सेसफुली लग चुका है। दोस्तों यहाँ पे मेरा विड्रॉल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जितना मैंने विड्रॉल लगाया था। अब मैं आपको NC वॉलेट पे भी जाके दिखा देता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे रिसीव भी हो चुका है, जितने अमाउंट का मैंने लगाया था उतने अमाउंट का रिसीव हो गया बिटकॉइन। एंड एक यहाँ पे बात आप देख रहे होगे जो कि मुझे यहाँ पे बिटकॉइन रिसीव हुआ है 7 जून को, जो मैंने विड्रॉ लगाया था दोस्तों यहाँ पे 13 मई को यहाँ पे विड्रॉ लगाया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे विड्रॉ रिसीव होने में मुझे 1 मंथ लग गए दोस्तों। मैंने इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह यहाँ पे विड्रॉ लगा। भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना, अगर आपको यहाँ पे विड्रॉ लगता है तो कमेंट करके वो भी बताना ताकि मुझे पता लगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।